हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। नए नए शो आ रहे हैं और पुराने शो जा रहे हैं। साल खत्म होने को है और नया साल जो है आने को है। ऐसे में हर कोई एक नई कोशिश करता है, फिर चाहे किसी प्रोडक्शन के शो हिट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ऐसे में हर कोई सोचता है मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, या फिर सोचता है कि भाई मेरे पास तो काफी ऑफर आ रहे हैं, या फिर कोई जो है कास्ट रेडी नहीं होती वो रोल करने के लिए। तो ऐसा जो है कई बार देखा जाता है, और मोस्टली जब साल खत्म होने को होता है, फिर चाहे बॉलीवुड हो या फिर टीवी इंडस्ट्री हो, इनकी बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आती है। एक तो अवार्ड फंक्शन को लेकर इनके पॉइंट काफ़ी बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, और दूसरे जो है इनके पास प्रोजेक्ट के ऑफर बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर चाहे हिट लिस्ट में कोई भी शो हो, अच्छी टीआरपी दे रहा हो, स्लॉट किंग हो, उसको भी ये लात मार कर चले जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं देखा जाता है, कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि मोस्ट पॉपुलर शो को जो है काफ़ी जो कास्ट है या सितारे हैं लात मार कर चले जाते हैं, ठुकरा देते हैं। तो उन्हीं शो में से मैं एक शो की बात करूंगी, राजन साई का सबसे पुराना शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, या फिर कह सकते हैं स्टार प्लस की सबसे बड़ी पहचान ये रिश्ता क्या कहलाता है। एट दिस टाइम स्लॉट किंग बना हुआ है, टीआरपी सही दे रहा है, जो ड्रामा दिखा रहे हैं फैंस को थोड़ा सा अजीब और गरीब लग रहा है, लेकिन फिर भी अपने साथ जो है बांधे हुए हैं। ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि प्रेगनेंसी ट्रैक के बाद एक नई कहानी आपको देखने को मिलने वाली है। उसी के बीच में जो है जो सपोर्टिंग कास्ट है वो बहुत ज़्यादा नाराजगी जताते हैं कि भाई हमारे रोल सिर्फ खड़े होने के लिए होते हैं, या क्या हुआ कब हुआ, बस इतना सा बोलने के लिए होते हैं, वैसे कुछ होता ही नहीं है। तो उसी के बीच में जो है आपके सनन अंडानी, यानी कि ये मिस्टर जो वंश गोयनका का रोल करते हैं शो में ये रिश्ता क्या कहलाता में, ऐसे में इन्होंने शो से एग्जिट कर दिया है और बताया है सोशल मीडिया में वो अपने रोल से हैप्पी नहीं थी, इसीलिए जो है उन्होंने शो से एग्जिट कर दिया। कहीं ना कहीं उन्हें अपने रोल काफ़ी कम लगते थे, या पता ही नहीं था कि उनके पास इस शो का कोई प्रोजेक्ट भी है या नहीं, और जो रोल दिया जाता था वो भी ज़्यादा मतलब मोस्ट पॉपुलर लिस्ट में नहीं गिना जाता था, इसीलिए जो है इन्होंने शो को ठुकरा दिया है। अब मे भी कोई नया लाकर खड़ा करेंगे राजन साई, या फिर इस किरदार को खत्म ही करेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।